ये हमने शलजम पालक लिया है, 500 ग्राम शलजम लिए हैं, 500 ग्राम हमने पालक लिया है और हमने इसको कट कर लिया है अच्छे से धोकर। पहले हमने इसको अच्छे से साफ़ करके धोया फिर काटा। इसमें हमने ये शलजम भी कट करके डाल दिए हैं, अभी छोटे छोटे शलजम आ रहे हैं तो हमने थोड़े से डाले हैं। ये हमने 500 ग्राम गोश्त लिया है, आप मटन का या बड़े का कोई सा भी ले सकते हैं, हमने बड़े का लिया है। ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। ये हरी मिर्च ली है हमने 8, इनको रफली काट लिया है। ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है हमने, ये भी काट लिया है। ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। ये हमने 3-4 हरी मिर्च और 5-6 ये लहसुन की कलियाँ ये ली हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, ये हम बाद में काट के डालेंगे, लहसुन से हम इसमें बघार लगाएंगे। ये हमने 1 प्याज ली है, इसको काट लिया है हमने। हमने सूखी मेथी ली है, कसूरी मेथी, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, इसको 1 चम्मच लिया हमने। ये हमने 1.5 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसको गरम कर लिया है हमने, ये वाला 1.5 चम्मच लिया है। इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है, अब हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे। हमने इसको भून लिया है 1 मिनट, अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, आप देख सकते हैं, इसको डाल के हम चला लेंगे और बाकी की ये चीज़ें भी डाल देंगे हम इसमें, मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया। सूखे मसाले और ये हरी मिर्च और अदरक भी जो हमने रफली काटा था, ये सब चीज़ डाल के हम 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको हमने 2 मिनट भून लिया है, इसमें अब हम शलजम पालक डाल देंगे और इसमें गोश्त गलने तक 5-6 सीटी लगा कर हम पकाएंगे इसको। सब्जी को हमने अच्छे से निचोड़ लिया था वरना इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, अभी भी इसमें काफ़ी पानी हो जाएगा जब ये गल चुकेगा, फिर हम इसका पानी खुशक करेंगे और भूनेंगे हम इसको, फिर कर लेंगे हम इसको सारा और इसका हम ढक्कन बंद करके 6-7 सीटी लगवाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और सब्ज़ी भी। 7 सीटियाँ आ चुकी हैं फुल आँच पर, अब हम देखेंगे इसमें, आप देख सकते हैं ये गल चुका है गोश्त। अब हम चूल्हा जला देंगे दोबारा से और इसमें जो पानी है उसको खुशक करेंगे, भूनेंगे इसको। इसमें हम ये मेथी डाल देंगे, सूखी मेथी, इसके साथ ही भूनेंगे हम इसे, भून लेंगे हम ऐसे ही मेथी डाल के। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है, इसमें ऑयल ऊपर आने शुरू हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इस पर तड़का लगाएंगे, बघार करेंगे इस पर। ये हमने 3 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें ये लहसुन कटा हुआ डालेंगे हम, ये वाले 3 चम्मच ऑयल लिया है हमने चाय के, इसे ब्राउन करेंगे हम। इसमें ये अदरक और हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, इसको भी इसके साथ ही पकाएंगे ताकि इसकी मिर्चें कम हो जाए। ये ब्राउन हो चुका है, अब हम सब्जी पर तड़का लगा देंगे इसका। ये हमने इसे डिश आउट कर दिया है और इसको हम थोड़े से देसी घी से गार्निश करेंगे हरी मिर्च अदरक से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है शलजम पालक गोश्त। आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ईद पर गोश्त होता है ज़्यादातर, मटन का, बड़े का, सभी तरीके का होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह।